माया, इस वीडियो में बताएंगे कि CDI को कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं CDI खराब है या पिकअप कॉइल खराब है या बैटरी खराब है। तो ऐसा आप लोग के पास में गाड़ी आए तो करंट नहीं आए तो क्या करेगा फ्रेंड्स? तो जाहिर सी बात है क्योंकि दूसरा CDI लगा करके चेक करना पड़ता था, कभी कभी बाइक हम लोग के पास में होता नहीं है। तो कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए कि इसका CDI खराब है या क्या खराब है, इसका करंट एग्जिट लाना है? तो चलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि करंट इस गाड़ी में गायब कहां से हुआ और कैसे लाना है और क्या चीज खराब है फ्रेंड्स। तो गाइस सबसे पहले बॉडी को खोल लेना है, उसको खोलने के बाद में अब इस पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद आपको CDI का फर्स्ट चेक करना है कि इसमें तीन तार है, यहाँ पे देखिए तीन तार है ना, और दो तार है ST कॉइल का, दो तार है और मेन CDI का दो तीन तार है, एक नेगेटिव है, एक पिकअप कॉइल है, एक पॉजिटिव है जो किल स्विच से वर्क करके हम लोग का आता है। यहाँ से किल स्विच ऑन करने के बाद में पॉजिटिव करंट जाता है, मतलब 12 वोल्ट इसमें करंट सप्लाई होता है, उसके बाद ही ये स्टार्ट होता है। तो इसको कैसे चेक करना है, उसके बाद पिकअप कॉइल को फाइंड आउट करना है कैसे, ये चीज़ मैं बताऊँगा। तो गाइस आपको एक मल्टीमीटर का ज़रूरत पड़ेगा, अदरवाइज बिना मल्टीमीटर से भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक बल्ब का आपको लेना पड़ेगा, बल्ब जो इंडिकेटर बल्ब है उससे भी चेक हो जाएगा। तो फिलहाल मेरे पास में एक मल्टीमीटर है, पहले इसको वोल्ट चेक करेंगे इसमें किल स्विच से वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रखते हैं मल्टीमीटर को, शायद मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, आज जैक को ऐसे निकालना है। सॉरी पहले आपको करंट दिखा देते हैं, करंट इसमें आ रहा है कि नहीं। तो चलिए इसको करंट आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ऐसे खोल लेना है, यहाँ पे बॉडी पे टच कर देना है और बैटरी है कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए करंट नहीं आ रहा बिल्कुल, फिलहाल इसको यहीं पे रहने देते हैं, उसके बाद यहाँ पे चेक करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको। पहले जेक को खोल लेते हैं, इसको चेक कैसे करना है कि मेरा CDI खराब है या पिकअप कॉइल खराब है, तभी जाके आप दुकान से ला सकेगा, नहीं तो अदरवाइज परेशान हो जाएगा, नहीं कुछ हो पाएगा। तो मल्टीमीटर को ऐसे 12 वोल्ट पे लगाना है। गाइस यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक दिखाइए, कैमरा भाई थोड़ा नज़दीक दिखाइए, यहाँ पे जो वाइट में रेड है ये पिकअप कॉइल का तार है, इसको आप पहचान लीजिए ठीक से। और ये जो पिंक कलर के एक रेड वायर है ये 12 वोल्ट किल स्विच से आता है, और एक एक छाई कलर का टाइप का है ये है न्यूट्रल। तो ये दोनों में चेक करना है इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो न्यूट्रल में न्यूट्रल टर्मिनल को लगा देते हैं, उसके बाद इसको अब मल्टीमीटर पे दिखाइए, देखिए मल्टीमीटर पे शो कर रहा है, यानी 12 वोल्ट शो कर रहा है, मतलब ये लाइन ठीक है। तो इसको किल स्विच और इग्निशन ऑन करके रखना, तब जाके ये तार में चेक होगा। तो किल स्विच पे दिखाओ तो एक बार, जैसे इसको ऑन करके रखना है, इसको जैसे ऑफ कर देंगे ना तो यहाँ पे मल्टीमीटर में शो नहीं करेगा, जैसे अभी शो कर रहा है, जैसे किल स्विच ऑफ करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। एक बार ऑफ करो उसको, देखिए ऑफ हो गया ना, ये देखिए 0-0 हो गया, फिर ऑन करो एक बार। तो गाइस मेरा चेक हो गया, इस लाइन क्लियर है, मतलब किल स्विच से ये मतलब काम कर रहा है, किल स्विच ये ठीक है, इग्निशन स्विच भी मेरा ठीक है, और न्यूट्रल जो तार है ये भी ठीक है। तो रह गया और एक क्या चीज़, ये पिकअप कॉइल को कैसे चेक करें, कितना रीडिंग होने से अच्छा रहेगा। तो मल्टीमीटर को ओम पे सेटिंग करना, ऐसे ओम पे सेटिंग कर लेना, जैसे पीप बजने चाहिए, पीप बज रहा। उसके बाद इसको प्लस वाला टर्मिनल को यहाँ, ये मल्टीमीटर में देखिए 210 दिखा रहा, मतलब ये हमारा पिकअप कॉइल भी सही है। तो गाइस एग्जिट पकड़ा गया कि मेरा पिकअप कॉइल ही खराब है, तो ए सॉरी इस CDI खराब है। तो CDI देखते हैं एक दुकान से ला करके, अब इसको चेंज करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख रहे हैं, एक लेके आया मैं ओरिजिनल, इसका ओरिजिनल ही लाना, दूसरा अदरवाइज चलेगा नहीं। ये पार्ट नंबर आप नोट करके रखिए, भविष्य में आपका काम में आएगा कि कौन सा गाड़ी का, अदरवाइज पल्सर वाला नहीं लगेगा क्योंकि जेक यहाँ घुसेगा नहीं, इसी का ही होना चाहिए। पल्सर का अलग होता है और एवेंजर का अलग होता है, इसका पार्ट नंबर आप नोट करके रखिए ताकि आपको सुविधा होगा। आप इसको चल के लगाते हैं, या
अभी ये लग गया, आप देखते हैं इस बाइक में करंट आ रहा है कि नहीं। इसको ये पुराना वाला है, किल स्विच ऑन करके एक बार चेक करते हैं। तो थोड़ा सा सेल्फ मार के दिखाइए गाड़ी को। बंद करिए। तो आई होप आप लोग देख पाए कि करंट सीडीआई कैसे चेक किया जाता और सीडीआई को फाइंड आउट करके, ये सीडीआई का ही प्रॉब्लम था फ्रेंड्स। तो अगर कुछ वीडियो देख के समझ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। बस फिटिंग करो।